और ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेरे लच्छे जो हैं। मैंने अभी बाहर से सब्ज़ी ली थी तो उन्होंने क्या किया कि ये सब्ज़ी को धोकर डलिया में रख रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं कि मैं उनका वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैंने चुपके से ही इसको शूट कर लिया। वैसे तो मेरा बेटा जो है वो वीडियो में आने से शर्माते हैं, वो जल्दी आते ही नहीं, अगर उनसे कहो तो भी नहीं आते हैं। पता नहीं क्यों वो वीडियो में आने से बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है ना। और ये धुल गई है सब्जी और डलिए को रख दिया बाल्टी के ऊपर। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। राड जला रही थी मैं। और हाँ, अब हो रहा है शाम का टाइम, तो मैंने चाय वगैरह पी ली है। और हाँ, मैंने बताया था ना मेरा ग्राइंडर का ब्लेड टूट गया है, तो धनिया नहीं पीस पा रही थी, तो ग्राइंडर का ब्लेड मेरा सही हो चुका है। तो अब जा रही हूँ मैं, धनिया पीसूंगी और इसके बाद शाम के खाने में जो बनाऊंगी वो सब आपके साथ में शेयर करूंगी। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, मैंने देखिए आज काजल लगाया। मैंने कहा ना मेरे को काजल जो है बहुत पसंद है, लेकिन काफ़ी दिन हो गया छोड़े हुए, तो कभी कभार ऐसे मन होता तो लगा लेती हूँ, नहीं तो मेरी आंखों से काजल हटता ही नहीं था। तो और गर्मी इतनी भयानक हो रही है, इतनी भयानक है, देखिए जाने कैसी अजीब सा पूरा चेहरा हो रहा है। और गर्मी में तो मेरा पाउडर के बिना तो चलता ही नहीं है, तो केवल पाउडर ही लगाती हूँ, नो क्रीम कुछ भी नहीं लगाती। आज तो मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है। मैचिंग मैचिंग हो गया ना दोनों। तो अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी। तो आज मैं कुछ थोड़ी सी नई प्रकार की बनाऊँगी, यानी नया क्या चीज़ इसमें इसमें केवल मैंने टमाटर नहीं डाला है, यानी कि विदाउट टमाटर मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। और ये तेल में मैं पनीर को थोड़ा सा मोटा काट कर, यानी क्यों क्यों आकार में थोड़ा सा मोटा काट कर मैं इसको तेल में कर रही हूँ फ्राई। और ये कटोरी में मैंने रखा है थोड़ा सा पानी, और इसमें डाल दूंगी नमक थोड़ा सा, और इसको रख दूंगी गैस पर चढ़ा दूंगी ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, क्योंकि जब ये गर्म हो जाएगा तो ये जो अपनी फ्राई की हुई मेरी पनीर है तो इसको मैं निकाल कर इसी में डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ी सी टाइट नहीं होगी, जैसे कि फ्राई करके पनीर अगर वैसे बनाऊँ तो थोड़ी सी टाइट टाइट टाइप में हो जाती है, तो ये टाइट नहीं होगी और गर्म पानी में रहेगा तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी रहेगी। और ये देखिए, ये मेरा ग्राइंडर जो है सही हो गया है, मैंने धनिया भी पीस लिए। मेरे को लगता 1 वीक हो गया है, धनिया भी मेरी वो ख़राब हो गई तो मैंने उस धनिया को भी फेंक दिया, क्योंकि मेरे मन में थोड़ा सा वहम बैठ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोहे का कुछ भी टुकड़ा या हल्का फुल्का कुछ भी हो जो मेरी धनिया में हो और किसी के भी मतलब बॉडी में जाकर वो किसी को भी नुकसान करे। तो मैंने वो पूरी धनिया उठाकर फेंक दी थी। और ये यहाँ पर हो गई है मेरी पनीर फ्राई, और इसको निकाल कर मैं डाल दूँगी पानी में। आप लोग भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन इस तरह से पनीर बनाता है विदाउट टमाटर। मैंने आज पहली बार विदाउट टमाटर बनाया, लेकिन वाकई बात मैं बता रही हूँ, इसको जब मैंने बनाया तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आया है। दरअसल मैंने इस तरह की सब्ज़ी अपनी फ्रेंड के यहाँ खाई थी, तो ये उन्हीं का टेस्ट है, तो मैंने सोचा कि मैं भी आज ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने भी आज बना डाला। और इसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें जीरा, तेज पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग, बड़ी इलायची। तो बड़ी इलायची तो मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने आपसे बता दिया है कि आप लोग ज़रूर डालिएगा, तो बड़ी इलायची मेरे में नहीं है। तो अब इसके बाद मैं कटा हुआ इसमें प्याज डालूँगी, और ये हर एक हरी मिर्च है जिसको मैंने बीच से चीरा लगा लिया है, ताकि अगर मेरा बेटा खाना खाए तो उसको दिख जाए ये मिर्च, क्योंकि अगर मिर्च उसके मुंह में आ जाती है तो वो फिर उसको तीखी बहुत लगती है। तो इसके बाद मेरी ये प्याज जो है फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें कुटा हुआ अदरक, यानी कि कोई भी मसाला मैंने इसमें पीस कर नहीं डाला, जैसे कि लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं पीसा है। तो अदरक जो है केवल मैंने मतलब जिसमें अदरक कूटते हैं तो उसमें से ही अदरक कूट कर मैंने इसमें डाल दिया है। और मसाले में मेरा जाएगा हल्दी है, धनिया है, मिर्चे हैं, और इसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला है। इसमें एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा डाली है, एक्स्ट्रा मसाला, यानी कि वो है
पिसी हुई सौंफ, तो वो मैंने इसमें डाली हुई है। और ये मसाला थोड़ा सा मेरा भुन जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही को मैंने पहले फेंट लिया है, काफ़ी देर तक फेंटा है। और वाकई मैं कह रही हूँ कि ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। जिसने ना भी बनाई हो तो वो थोड़ी सी बनाकर एक बार टेस्ट करे और फिर मेरे को कमेंट करके बताए कि मेरी ये सब्ज़ी कैसी बनी थी। तो अब मेरा मसाला फ्राई हो चुका है और अब मैं डालने वाली हूँ इसमें दही, यानी कि टमाटर की जगह मैंने इसमें दही का यूज़ किया हुआ है। तो दही को डाल दिया है और इसको मैं चलाती रहूँगी। और आजकल तो इतनी भीषण गर्मी हो रही है, तो ये गर्मी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। एक तो मतलब इतना अजीब सी गर्मी है कि पसीना भी निकल रहा है, चिक जैसे कि तेल तेल सा हो रहा है। मेरे को लगता है जैसे बरसाती गर्मी हो रही है इस तरह से। बहुत मतलब दिमाग ख़राब है इस गर्मी से। तो ये मेरी दही, दही के साथ मैंने डाल दिया है मटर और नमक डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसको ढक दूंगी थोड़ा सा। ये हमारी मटर भी इन्हीं रसे के साथ जो है पक जाएगी। और ये हमारी मटर जो है पक गई और रसा भी, जो रसा था वो भी पक चुका है, यानी कि मसाला भी मेरा पक चुका है। और इसमें डाला है मैंने नमक और डालूंगी कस्तूरी मेथी जो मैंने घर पर ही सुखा कर रखी है। तो अब इसके बाद मैं उसको डाल दूंगी। और ये कस्तूरी मेथी को मैं हाथ से थोड़ा सा मतलब मसल रही थी तो वो मसल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। जैसे सूखी सूखी डंडी टाइप में थी तो फिर वो नहीं मतलब महीन नहीं हुआ, तो मेरे को हाथ से ही तोड़ तोड़ कर डालना पड़ा है। और ये देखिए मसाला मेरा भुन गया है, मटर भी मेरी पक गई है। अब केवल मेरे को डालना है इसमें थोड़ा सा, ये जो पनीर मैंने पानी में भिगोया हुआ था तो अब मैं इसको डाल दूंगी और 5 मिनट तक पकाऊंगी। और फिर इसके बाद देखिएगा कि मेरी सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है। दरअसल ये सब्ज़ी अगर गाढ़ी गाढ़ी सी होती है तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो मेरा बेटा की जिद थी कि चावल बनाओ मम्मी, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा रसा बनाया, लेकिन बाद में ये जब थोड़ी सी ठीक हो गई तो मैंने चावल कैंसिल कर दिया। और इसके साथ बनाया था मैंने आलू के पराठे, वो जो आलू उबाल कर रखा हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरा मन था कि मैं आलू के पराठे बनाऊं, लेकिन बेटा मेरा जिद कर रहा था चावल बनाने के लिए। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी इतनी बढ़िया बनी है, इसमें खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है। और ये मैंने डाल दिया हरी धनिया और सब्ज़ी हो गई है मेरी तैयार। ये देखिए अच्छी लग रही है ना, कलर भी कितना अच्छा है इसका। तो अभी तो मेरे को आलू को भी मैश करना है और मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं धोने के लिए। तो अब मैं आलू मैश करने के बाद ही बर्तन सब्जी हो गई है धुलूंगी। आप रेडी? आप लोग बताइएगा जरूर मेरे को कि मेरी ये सब्जी कैसी बनी है, ठीक है? और गर्मी कितनी भयानक हो रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इतनी गर्मी हो रही है कि ये सब मेरा बाहर जा रहा है, सब बादल। इसलिए मैं मेकअप वगैरह कभी नहीं करती, कभी नहीं करती मेरे को, क्योंकि ज़्यादा पसंद नहीं। और गर्मी में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं तो मेरे दिल ने कहा तो आज मैंने थोड़ा सा कर लिया, नहीं तो गर्मी में मैं तो मेकअप करती ही नहीं हूँ। चलिए अभी मिलती हूँ मैं आपसे फिर से। और यहाँ पर देखिए ये मेरा खाना हो गया है रेडी। और ये देखिए सब्ज़ी कितनी प्यारी लग रही है और कितनी अच्छी है। वाकई में ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी थी। और ये रहा साथ में मेरा दही नमक वाला और ये आलू भर के पराठे। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक, और जो नए हैं तो सब्सक्राइब। और मैं फटाफट मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।